सब्सक्राइब कीजिए फंटास्टिक प्रेम को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका फंटास्टिक प्रेम में। दोस्तों, आज की जो हमारे मोबाइल का फीचर है उसका नाम है लॉक बैकग्राउंड ऐप। हाँ दोस्तों, लॉक बैकग्राउंड ऐप आपको उस टाइम में बहुत ही काम आता है जब कोई आप एप्लीकेशन को बार बार यूज करते रहते हैं और आपका डेटा क्लियर करने के बाद एप्लीकेशन का जो टास्क बार में रनिंग होता है एप्लीकेशन को क्लियर होने के बाद वो एप्लीकेशन को फिर से चालू करने के लिए टाइम लगता है, उस टाइम को बचाने के लिए आप उस एप्लीकेशन को टास्क मैनेजर में जाके लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो लॉक बैकग्राउंड ऐप है आप मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको आगे वीडियो में। तो दोस्तों, लॉक बैकग्राउंड ऐप्स यूज करने के लिए सबसे पहले आप उनकी सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद उसमें पर जाना दोस्तों होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। ओके, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद दोस्तों इसमें आपको जाना है रिसेंट टास्क मैनेजर। इसमें दोस्तों रिसेंट टास्क मैनेजर में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अनलॉक करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो भी एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हो उसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया या YouTube हो गया, Snapchat हो गया। ओके, ठीक है। तो ऐसे आपको जो दो तीन एप्लीकेशन यूज जो आपको कंटिन्यूस यूज होते रहते हैं वो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ से आपने लॉक लगा दिया है, बैक करेंगे फिर से जाएंगे रिसेंट टास्क मैनेजर में। तो यहाँ पे आपको तीन एप्लीकेशन दिखा रहे जो मैंने लॉक कर दिए हुए। अभी आपको कहाँ पे दिखेंगे दोस्तों, यहाँ से मैंने लॉक कर दिए है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने ओपन नहीं किए हैं। अब जैसे मैं अपना स्नैपचैट क्लिक करता हूँ, अपना स्नैपचैट ओपन हो गया। ओके, जैसे कि मैंने यूट्यूब भी ओपन किया था बैकग्राउंड में। ओके, यूट्यूब भी ओपन हो गया। अब ये एप्लीकेशन मैंने यूज कर लिए, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे ओपन करना रहेगा तो ये फटाक से चालू हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि अभी मैं ये टास्क मैनेजर में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि मेरा YouTube यहाँ पे लॉक दिखा रहा है आपको दोस्तों। YouTube लॉक दिखा रहा है, Snapchat लॉक दिखा रहा है, लेकिन सेटिंग लॉक नहीं दिखा रही है। मीन्स अगर मैं यहाँ से जितने भी मेरे एप्लीकेशन चालू हैं सबको क्लोज भी कर देता हूँ तो भी मेरे टास्क मैनेजर में ये एप्लीकेशन चालू रहेंगे। मीन्स जब भी मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा ये फटाक से ओपन हो जाएंगे। मुझे बार बार जो लोडिंग का आता है कि एप्लीकेशन लोड हो रहा है तो टाइम लग रहा है लोडिंग का, वो लोड नहीं लेगा। हाँ, लेकिन जो भी एप्लीकेशन आपने जो लॉक करके रखा है ये बैकग्राउंड में आपकी रैम को खाता रहेगा। मीन्स अगर आपका फोन का जो रैम है 2GB 3GB 4GB के आसपास है, आपका फोन स्लो काम करता है तो आप चाहिए तो इन जो पहले से आपका जो एप्लीकेशन लॉक है, कभी कभी जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज कंटिन्यू करते हैं फोन स्मार्टफोन है वो ऑटोमेटिकली उसको लॉक लगा देता है ताकि बार बार आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करने जो टाइम जाता है, जो मेमोरी यूज होती है, रैम होता है, वो ज्यादा ना जाए तो वो फोन को लॉक कर देता है। तो आप उसको वापस से अनलॉक भी कर सकते हैं। एक तो सिस्टम आप यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अनलॉक कर दिया। अब सेम चीज है, आपको पूरा सेटिंग में जाके लॉक नहीं करना है तो आप अपना टास्क मैनेजर में जाइए रिसेंट में, इस पे क्लिक कीजिए और लॉक कर दीजिए दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड ऐप है वो लॉक हो जाएंगे और जिसमें ऑलरेडी लॉक है और जो जिनके रैम 2GB 3GB 4GB है और फोन काफी स्लो चल रहा है और आपके यहाँ पर दिख रहा है कि आपका बैकग्राउंड में जो ऐप है आप क्लोज करने के बाद भी क्लोज नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका फोन यहाँ पे लॉक है, सॉरी आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे लॉक है तो वो रिसेंट टास्क मैनेजर से नहीं जाएगा, जो रैम यूज है उसमें से नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ से अनलॉक करना है, ठीक है। ये अनलॉक कर दिया, क्लोज कर दिया तो मेरा बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा और मेरा फोन एकदम स्मूथ चलेगा। हाँ, जिनका 8GB रैम है, 6GB रैम है, फोन का प्रोसेसर मस्त है तो आप जितनी चाहिए उतनी एप्लीकेशन लॉक करके रख सकते हैं बैकग्राउंड में एकदम फटाफट ओपन होने के दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो फीचर था लॉक बैकग्राउंड ऐप्स करके, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी कभी कभी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन लॉक हो जाती है उसे हटा सके इस वीडियो को देखकर दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट एकदम फंटास्टिक फीचर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद एंड टाटा।